हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये सैमसंग का J7 नेस्ट है जिसमें FRP लॉक लग गया। तो आप देख सकते हैं इसमें FRP लॉक लग गया है, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग गया है। तो फ्रेंड, आज मैं इसका FRP बाईपास करके आपको दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क मांग रहा है। फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो इसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करें और इस फ़ोन से एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले ताकि इस फ़ोन पे इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है तो आप इस फ़ोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो वाईफाई नेटवर्क का जो पासवर्ड है वो हम लोग डाल देंगे। आप जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा उसका पासवर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ कनेक्ट कर लेंगे इसे। ठीक है, वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ नीचे जाएंगे, सबसे नीचे वाले पे टिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर पेटल लॉक मांग रहा है। यहाँ पर वही पेटल लॉक मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पता है तो यहाँ पर ड्रॉ करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो पेटल लॉक मुझे पता नहीं है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर कोई भी दूसरा पैटर्न लॉक डाल के इसे अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, वहाँ रॉन्ग आता है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा, इस पर हम लोग टैप कर देंगे तो ये यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जीमेल आईडी मांग रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही जीमेल आईडी मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ वेरीफाई योर अकाउंट। अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है दोस्तों तो यहाँ पर डाल दें, लॉगिन कर दें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है। जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए अब हम लोग क्या करना है, बैक आ जाना है, पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाना है। आ गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिम कार्ड लेंगे। ठीक है, ये सिम कार्ड है, इसमें मैंने पहले से ही पिन लॉक लगा के रखा है। अगर आपके पास भी कोई सिम कार्ड है तो इसमें पहले से ही पिन लॉक लगा ले, उसके बाद इस सिम कार्ड को हम लोग इस फ़ोन में लगाएंगे। तो चलिए जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। इस सिम कार्ड को अब हम लोग इस फ़ोन में लगा देंगे। ठीक है, छोटा ही सिम लगाए ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसे हम लोग को बीच में रिमूव भी करना है जब फ़ोन हम लोग का स्टार्ट रहेगा तब। ठीक है, सिम कार्ड लगा के बैटरी लगा दिए। अब हम लोग फिर से इस फ़ोन को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए पावर बटन दबा के इस फ़ोन को स्टार्ट कर देते हैं। इसका पावर बटन थोड़ा सा हार्ड है इसलिए मैं चिमटे की मदद से इसे स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, अब हमारा फ़ोन स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे नए वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारा फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सिम का पिन लॉक मांग रहा है। तो अब हम लोग क्या करना है, सिम कार्ड को रिमूव करना है। तो ढक्कन हम लोग खोल लेंगे। ठीक है, बैटरी को लगे रहने देंगे और सिम कार्ड को रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग सिम कार्ड को रिमूव कर लेंगे। अब ढक्कन को लगा लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ी देर में यहाँ पर पिन लॉक मांगना बंद कर देगा, मतलब ये ऑप्शन हट जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, हट गया। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब होम की दबाएंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसे इस तरह से स्लाइड करेंगे, ठीक से स्लाइड करेंगे, हो गया। अब यहाँ नोटिफिकेशन बार पर दिखा रहा है नोटिफिकेशन का आइकॉन, फिर से भाग गया। फिर से यहाँ इसे स्लाइड करके रखेंगे, यहाँ नोटिफिकेशन का आइकॉन दिखा रहा है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। यहाँ नीचे नोटिफिकेशन सेटिंग पर टैप कर देंगे। अब हम लोग सामने में इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ खोजेंगे गूगल, देखिए गूगल मिल गया, इस पर टैप कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ इन एप्स नोटिफिकेशन सेटिंग, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ ऊपर में आपको सर्च बार दिखा रहा है, इस पर टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑफलाइन। चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ऑफलाइन। जैसे हम लोग यहाँ पर ऑफलाइन लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑफलाइन सर्च दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। तो
तो आपके सामने में इस तरह से खुल जाएगा, यहाँ नीचे लिखा है मैनेज ऑफलाइन सर्च, इस पर टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा, यहाँ नो थैंक्स लिखा हुआ है, इस पर टाइप कर देंगे। ठीक है, गूगल सर्च खुल गया। अब हम लोग यहाँ गूगल सर्च में लिखेंगे सेटिंग। चलिए सेटिंग लिख लेते हैं। जैसे सेटिंग लिखेंगे यहाँ पर आपको सेटिंग का आइकॉन दिखेगा, इस पर हम लोग टाइप कर देंगे तो हम लोग के फ़ोन का मेन सेटिंग खुल जाएगा। देखिए सेटिंग खुल चुका है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर खोजेंगे सिक्योरिटी। देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी दिख गया हम लोग को, ये रहा सिक्योरिटी, इस पर हम लोग टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ भी थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा अदर सिक्योरिटी सेटिंग, इस पर टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ भी थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर हम लोग को मिलेगा नीचे में पिन विंडो। देखिए पिन विंडो मिल गया, इसे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट हो गया। अब इस पर एक बार हम लोग टैप कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूज स्क्रीन लॉक टाइप टू अनपिन, इस पर हम लोग टैप करके इसे स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है प्रोटेक्ट योर फ़ोन। उसके बाद यहाँ पैटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पिन लिखा है, यहाँ पासवर्ड लिखा है, सबसे नीचे नोट नाउ लिखा है। तो हम लोग क्या करना है, किसी भी एक पे टैप करके यहाँ पर नया पिन लॉक सेट करना है। तो चलिए हम लोग पिन पे टैप कर देते हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ नीचे कंटिन्यू पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर एक नया पिन लॉक सेट कर लेंगे जिससे हम लोग गूगल अकाउंट बाईपास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक नया पिन लॉक बना लेते हैं, 1 2 3 4 कंटिन्यू करेंगे, फिर से 1 2 3 4 डाल के ओके कर देंगे। अब हम लोग के फ़ोन पे पिन लॉक लग चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फ़ोन को रिस्टार्ट कर देंगे। तो रिस्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, पावर बटन को दबा के इस फ़ोन को रिस्टार्ट करना है। चलिए फिर से चिमटे की मदद से हम लोग इसे पावर बटन को दबा लेते हैं, क्योंकि इसका पावर बटन थोड़ा हार्ड है। ठीक है, अब इस फ़ोन को क्या करेंगे, रिस्टार्ट कर देंगे। रिस्टार्ट पे ओके कर दिए, अब हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है। जब तक हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है तब तक हम लोग को वेट करना है। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से और सरल तरीका से कर सकते हैं। अब हमारा फ़ोन यहाँ खुल चुका है, अब हम लोग यहाँ स्वैप करेंगे। अब हम लोग वही पिन डालेंगे जो हम लोग सेट किए हैं। तो चलिए 1 2 3 4 हम लोग सेट किए हैं तो डाल देते हैं। 1 2 3 4 डाल दिए, ओके कर दिए, खुल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट पे टाइप करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट है, यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ी देर में यहाँ पर अगला ऑप्शंस भी आ जाएगा। अब यहाँ पर पिन लॉक मांग रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर पहले पैटर्न लॉक मांग रहा था जब इस फ़ोन में लॉक लगा हुआ था। जब हम लोग यहाँ पर पिन लॉक इस फ़ोन में सेट कर दिए हैं तो यहाँ पर पिन लॉक मांग रहा है। तो चलिए वही पिन हम लोग डाल देते हैं जो हम लोग सेट किए हैं। तो कौन सा पिन सेट किए थे, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। तो देखिए पिन लॉक भी ले लिया है, यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर जीमेल आईडी साइन करने बोल रहा है, पर आपको साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ चुका है, पहले ये नहीं आ रहा था। तो चलिए स्किप पे टैप करके स्किप कर लेंगे, यहाँ भी स्किप करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट करेंगे, यहाँ मोर पे टैप करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ नीचे जाएंगे, स्किप करेंगे, यहाँ भी स्किप करेंगे, यहाँ भी नीचे जाएंगे, फिनिश पे टैप कर देंगे। यहाँ ऑल डन लिखा रहा है, पर यहाँ पर और आगे प्रोसेस करना है हम लोग को, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ क्रॉस लिखा हुआ है, इस पर टैप कर देंगे, यहाँ कंटिन्यू करेंगे, यहाँ भी स्किप करते जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो एप्लीकेशन दिखा रहा है, जो टिक किया हुआ उसे हम लोग अनटिक कर देंगे। अब फिनिश पे टैप कर देंगे, यहाँ भी फिनिश पे टैप करेंगे, ऑल डन, यहाँ भी फिनिश पे टैप कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो पूरी तरह से खुल चुका है। तो फ्रेंड, इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास करते हैं। तो फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।